हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालाजी सर। मैं अनुपम सर, आपका अपने चैनल डियर बाल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैंने दो एप्लीकेशन लिया है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला वाला है, पहला वाले के बाद दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला एप्लीकेशन बिना देखे कत्ता ही न जाए, और दूसरा वाला एप्लीकेशन मैंने कई बार एग्जाम में आते हुए देखा है, और ये वाला भी। तो मैंने उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा एक एक पॉइंट में समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे आता है। अगर इसी तरीके से एप्लीकेशन आपका लिखा रहा तो मैं चैलेंज करता हूँ, फुल नंबर मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करेंगे। और हाँ, एक विशेष सूचना, अगर अभी भी चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसको जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करें फटाफट। ठीक है, अधिक से अधिक जितने भी लोग, अच्छा कुछ क्षुद्र टाइप के प्राणी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना बहुत ब्रिलियंट हैं, वो 2 मिनट 4 मिनट देखते हैं, इसके बाद नहीं देखते हैं। ठीक है, सतर्क हो जाए, घबराए मत। ठीक है ना, वो लौट करके आकर के देखेंगे, अभी मत देखो, कॉपी चेक हो जाए, जो कड़कती से कॉपी चेक होगी ना पता चल जाएगा, घबराओ मत। अभी मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। प्लीज वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें और अधिक से अधिक लोग जुड़े, अधिक से अधिक लोग आइए। चलिए चलिए हम क्लास को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मैंने लेने का प्रयास किया था और वैसा कुछ भी नहीं है, 4 नंबर बस आपकी तैयारी के लिए ये है तरीके से। ठीक है, आप तैयारी करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, राइट एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे दिया गया राइट एंड। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है ना, और किसको लिखना है, टू द प्रिंसिपल, किसके लिए, फुल फी कंसेशन पे। किस पे लिखना है, फुल फी कंसेशन पे, इन योर स्कूल फीस। ठीक है ना, यही क्वेश्चन ऐसे दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ए फुल फी कंसेशन। ठीक है, इनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरे तरीके से पूछा है, एक एप्लीकेशन लिखना है किसको, प्रिंसिपल को, और किसके लिए, कंसेशन इन फीस के लिए। ठीक है ना, तो मैंने क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है, मैंने तीनों क्वेश्चन लिया है, तीनों क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, पढ़ दिया। 2010 में ये आया है, ये 13 में आया है, फिर 15 में आया है, फिर 16 में आया है। ठीक है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को देख कर जाए। अगर एप्लीकेशन देख कर जाते तो इसी एप्लीकेशन के हिसाब से आप बहुत सारे एप्लीकेशन को लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको समझाना, इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, आराम से, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप, हमने लिखा है क्या, द प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो आराम से आप सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते ही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टू, इसके बाद क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, टू लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा करके लिखेंगे, कॉमा लगा करके टू द प्रिंसिपल एस वी के हाई स्कूल वाराणसी 12th मई अब 2021, कुछ भी लिख सकते हो, यक्स यक्स लिख करके भी छोड़ सकते हो। तो क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, टू लिखोगे, द प्रिंसिपल लिखोगे, कोई भी कॉलेज या स्कूल का नाम बताए आप उसको लिखोगे। ठीक है, अच्छा ऐसे ही लिखना है, द प्रिंसिपल ये, और यहाँ पे पता, कुछ लोग वाराणसी यहीं पर लिख करके हुर कबड्डी करते करते भाग जाएंगे, जो हुर कबड्डी करते करते कबड्डी कर रहे ना, कहीं उनका रिजल्ट कबड्डी हो गया ना तो बेकार हो जाएगा। तो ज्यादा चतुर ज्यादा चालाक ना बनो, भी मैंने टेस्ट किया था क्लास में, और कई जो ब्रिलियंट है, कई एडिसन, कई जो अल्बर्ट आइंस्टीन बैठे रहते हैं हम लोग की क्लास में कोचिंग में, वो सब लोग कलाकारी किए थे द प्रिंसिपल, अरे उनका बस नहीं चलना था, द प्रिंसिपल स्कूल का नाम सब उसी में पूरा लिख देते, फैजाबाद अयोध्या सब कुछ उसी में लिख देते, राम मंदिर मंदिर सब। तो सतर्क हो जाइए, टू लिखिए, द प्रिंसिपल स्कूल का नाम लिखिए, वाराणसी लिखिए, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके ये लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सब्जेक्ट ब्लैक पेन से डालिए और फिर लिखिए रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन, रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन। सब्जेक्ट लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी आप अधिकारी के पास जाते हैं और आप इतना ढेर सारा लिखे रहेंगे तो उसके पास टाइम नहीं रहता उसका पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट देख लेता है कि वो किस संदर्भ में है, तो बस वो तुरंत अनुमान लगा देता है और वो बता देता है कि हाँ ये काम होने लायक है या नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट को जरूर लिखेंगे। इसलिए क्या करेंगे आप लोग, इसलिए सब्जेक्ट को आप लोग जरूर लिखेंगे प्लीज, तो आपको याद रहेगा ना। ठीक है, जैसे मैं लिखाऊँ द प्रिंसिपल, उसके नीचे लाइन स्कूल का नाम, उसके नीचे पता। ठीक है, तो ये नहीं कि स्कूल का नाम लिख दिया तुरंत वही पता लिख दिया, ऐसा मत करना प्लीज, कई बार मैं चिल्ला के बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, आप भी लिख ले जाएंगे रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, जैसे रेस्पेक्टेड सर लिखा है उसके बाद उसी के नीचे देखो शुरू किया गया है, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है ना, यहाँ क्या दिया है, इट इज विथ ग्रेट रिस्पेक्ट दैट आई वेग टू से दैट। ठीक है, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, दैट की आई वेग टू से दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, ठीक है, दैट की आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। ठीक है, आई बिलोंग, आई मीन्स मैं बिलोंग, संबंधित हूँ
टू ए वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब परिवार से, मैं बहुत गरीब परिवार से संबंधित हूँ, आपको सम्मान बताना चाहता हूँ या सम्मान आपसे निवेदन है, ठीक है, आई बैक टू से डेट आपसे विनम्र निवेदन है, दैट आई बैक टू से डेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, मैं एक बहुत गरीब परिवार से क्या करता हूँ, संबंधित हूँ। इसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, माई फादर मतलब मेरे पिता, इज मीन्स है द ओनली अर्निंग, ओनली मतलब केवल अकेले, ठीक है, अर्निंग कमाने वाले मेंबर सदस्य, ठीक है, इन इन द फैमिली मेरे परिवार में, मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो है वही अकेले पढ़ाने वाले हैं, वही अकेले कमाने वाले, ठीक है ना, माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर, ठीक है ना, इन माई फैमिली मेरे परिवार में केवल मेरे पिताजी ही कमाने वाले हैं, ठीक है, एंड और वी आर थ्री चिल्ड्रेन, हम कितने उनके, हम तीन भाई हैं, तीन बच्चे, हम कितने हैं, वी आर थ्री चिल्ड्रेन, हम तीन बच्चे हैं हु आर स्टडिंग, जो पढ़ रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम तीन बच्चे हैं जो कि हु आर स्टडिंग, जो क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सो इसलिए इट इज वेरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट मीन्स है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन फॉर हिम, ठीक है ना, उनके लिए टू पे द स्कूल फीस, उनके लिए स्कूल का फीस, ठीक है ना, स्कूल का फीस भुगतान करना, अदा करना बहुत क्या है, कठिन है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए यह बहुत कठिन है फॉर हिम, उनके लिए टू पे द स्कूल फीस, स्कूल की फीस को भुगतान करना उनके लिए इसलिए बहुत कठिन है, बहुत क्या है, कठिन है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है ऐसे, आई हैव बीन सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास एवरी ईयर, आई मीन्स मैंने हैव बीन सिक्योरिंग प्राप्त किया है फर्स्ट क्लास, ठीक ना, प्रथम फर्स्ट क्लास एवरी ईयर, मैं हर साल फर्स्ट क्लास आता हूँ, ठीक ना, हर क्लास, हर साल मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई हैव बीन, ठीक है, सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास एवरी ईयर, मैं हर साल प्रथम स्थान आता हूँ, ठीक है, बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त आई हैव गॉट सेवरल प्राइजेस, आई मीन्स मैंने गॉट पाया है सेवरल प्राइजेस, आई हैव गॉट सेवरल प्राइजेस, मैंने कई पुरस्कार भी पाया है फॉर टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेकर इन डिबेट एंड गेम्स, ठीक ना, डिबेट मतलब होता है तर्क वितर्क, तर्क वितर्क और खेल में मैंने टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेकर के, भाग लेकर के मैंने ढेर सारे मेडल और प्राइज को क्या किया, ढेर सारे मेडल और पुरस्कार को क्या किया, मैंने जीता है या मैंने पाया है, या मैंने पाया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आई देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऑफर मी फुल फी कंसेशन, आपसे निवेदन है कि मेरी पूरी पीरी मतलब मेरी पूरी फीस, ठीक है, मेरी पूरी फीस, फुल फी कंसेशन, मेरी पूरी फीस क्या कर दी जाए, माफ कर दी जाए, आई सेल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा, इस पर यहाँ क्या लिखा है, थैंकिंग यू लिखा है, आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, थैंकिंग यू करके यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेट डाल देंगे, या डेट अगर नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी क्या किया है, ठीक है, क्योंकि आपने जो है पहले ही ऑलरेडी डेट डाल रखा है, ठीक है, ऑलरेडी डेट आपने यहाँ पे डाल रखा है, देखिए यहाँ पे आपने डेट डाल रखा है, थैंकिंग यू, लेकिन एक काम करेंगे, जो योर्स ओबीडिएंटली यहाँ पे लिखा है ना, आप यहाँ आइए आराम से अपना यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स ओ डी ई डी आई ई एन टी एल वाई ओबीडिएंटली, याद हो गया, ओबीडिएंटली आराम से क्या लिखेंगे आप, यक्स और क्या लिखेंगे, वाई और क्या लिखेंगे, जेड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड, तो पहला एप्लीकेशन मैंने बताया, जैसे मैंने बताया है, सबसे पहले आप यू लिखेंगे, उसके बाद उसी के नीचे से, तुरंत उसी के नीचे से द प्रिंसिपल स्कूल का नाम, उसके नीचे पता, उसके नीचे डेट, इसके बाद सब्जेक्ट ब्लैक पेन से डाल करके इसको लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन लिख सकते हैं, फुल फी कंसेशन लिख सकते हैं, इस वन रेस्पेक्टेड सर, जैसा मैंने बताया वैसा, तो आपको ये एप्लीकेशन पूरा तैयार हो गया, तुरंत तैयार हुआ या नहीं मेरी क्लास में ही, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद इस पूरे एप्लीकेशन को दो बार चला करके सुनेंगे, पहले देखिए एक बार अभी सुने हैं, एक बार और चला कर सुनेंगे, फिर एक बार और सुनेंगे, इसके सुनने के बाद आप कॉपी और पेन उठाएंगे, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे वैसे सोच करके लिखेंगे, आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा और आपका 5 नंबर 6 नंबर तुरंत आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, तो प्लीज आज अभी इसी काम को करना है, आज ही करना है, ठीक है, तो प्लीज
इसको आज करोगे, जो लोग बहुत चतुर टाइप के हैं पेपर समय आते हैं, पेपर समय कितनी वीडियो देखोगे, ठीक है ना, डेली जो वीडियो भेज रहे हैं डेली आधे घंटे एक घंटे समय निकाल करके देख करके तैयार कर लिया करो, डेली का काम डेली करो, ठीक है। तो चलिए आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्लीज, प्लीज आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जितने भी लोग हैं प्लीज एक स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए चलिए ले लिए सभी लोग, सभी लोग ले लिए। ये क्वेश्चन भी है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वाला सिस्टम है, हाँ यहाँ पे मैंने लिया है बहुत खतरनाक, यहाँ पे इससे मैंने इस सॉरी बहुत खतरनाक मैंने एप्लीकेशन लिया, इस एप्लीकेशन को तुरंत तैयार करेंगे। क्या लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसको लिखना आपको, डीएम को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है। किसके लिए लिखना है, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। 12 वाले 10 वाले दोनों लोग तैयार कर ले, और जो बच्चे 11 से 12 बज गए हैं अगर वो देख रहे हैं तो इसका नोट्स बना ले, एक से दो बार तैयार कर ले। आपको इसको तैयार कैसे करना है, एक बार अभी सुन रहे हैं, दो बार बाद में सुनेंगे, इसके बाद सोच सोच करके लिखेंगे, आपका पूरा एप्लीकेशन आज अभी एक घंटे बाद तैयार हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपना, लिखेंगे टू लिखेंगे, इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, इसके बाद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या लिखेंगे, टू लगा के टू कॉमा लगा करके द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़, और यहाँ पे डेट डालेंगे, हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, जितने भी लड़के लड़कियां सभी लोग देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर करो और लोगों को पढ़ाओ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या पढ़ा है यहाँ पे, यहाँ पे अब पढ़ा हुआ है आपका सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट आपको लिखेंगे ब्लैक पेन से, फिर क्या दिया है, बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना, बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब बैन मतलब रोक दिया जाए, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के उपयोग को ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, एग्जाम बोर्ड के परीक्षा के दौरान लाउड स्पीकर के यूज को उपयोग को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, यही इसका सब्जेक्ट है, विषय है। तो लिख ले जाओगे सभी लोग, लिख ले जाएंगे प्लीज सभी लोग बताएं, सभी लोग इसके बाद क्या डालेंगे, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड सर, तो रेस्पेक्टेड सर डालेंगे, या आप रेस्पेक्टेड सर के स्थान पर आप डाल सकते हैं डियर सर डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं डियर सर, तो ये सब डालेंगे तो खुश हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए डाला जाता है। अच्छा क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया है। आई मीन्स मैं वॉन्ट चाहता हूँ टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान, ठीक है, टुवर्ड्स तरफ, डिस्टर्बेंस मतलब होता है क्या चीज का, डिस्टर्बेंस मतलब होता है एक तरीके से अशांति, लिख लो डिस्टर्बेंस मतलब होता है अशांति, लिख लो, ठीक है, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है अशांति, ठीक है ना। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव काइंड अटेंशन टुवर्ड द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड, आई मीन्स मैं वॉन्ट भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी ध्यान को किधर ले जाना, अशांति की तरफ ले जाना, आई वॉन्ट टू ड्राइव काइंड अटेंशन टुवर्ड्स डिस्टर्बेंस, मैं आपके ध्यान को उस अशांति की तरफ ले जाना चाहता हूँ क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर्स, जो लाउड स्पीकर के द्वारा हो रहा है ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द बोर्ड परीक्षा के दौरान, बोर्ड परीक्षा के दौरान, ठीक है। तो मैं आपका ध्यान उस अशांति की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो कि परीक्षा के दौरान लाउड स्पीकर द्वारा किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के द्वारा किया जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पहले लाइन सबको, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काउंट काइंड अटेंशन टुवर्ड्स डिस्टर्बेंस, यहाँ तक याद कर लीजिए। इसके बाद क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर दूसरी लाइन याद कर लीजिए, ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन तीसरी लाइन, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, ठीक है, टुवर्ड डिस्टर्बेंस पहली लाइन, क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर लिख लीजिए, दूसरा लिए ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, तीन लाइन इसको याद कर लीजिए, इसको तोड़ तोड़ के याद कर लीजिए, पहली लाइन यहाँ तक कर लीजिए क्रिएटेड बाई, दूसरी लाइन यहाँ तक अपने अपने बना लीजिए, छोटा छोटा करके तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत। पहली लाइन, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू, यू मतलब तुम नहीं होगा यहाँ पे, यू मतलब आप होगा क्योंकि आपसे बड़े हैं, तो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट की फेब्रुवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं फरवरी से लेकर अप्रैल तक, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन का समय होता है, अवधि, ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, ड्यूरेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे, ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, ठीक है ना, अवधि, ठीक है, हाँ। तो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं,
फरवरी से अप्रैल तक का समय बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं तक नहीं है। देयर आर सेवरल फंक्शंस, ठीक है, कई उत्सव भी गोइंग ऑन, चलते रहते होते रहते इन आवर नेबरहुड एरिया, मतलब हमारे आस पास पड़ोस में कई फंक्शंस कार्यक्रम, कई कार्यक्रम क्या होते हैं, चलते रहते, गोइंग ऑन मतलब चलते रहते, गोइंग ऑन मतलब चलते रहते, ठीक ना। तो देयर आर सेवरल फंक्शंस, कई समारोह या कई कार्यक्रम गोइंग ऑन चलते रहते इन आवर नेबरहुड एरिया, ठीक है। एंड लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड एट हाई वॉल्यूम, और लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड एट हाई वॉल्यूम, और लाउड स्पीकर को बहुत तेज आवाज क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड एट हाई वॉल्यूम, और लाउड स्पीकर को एक तेज आवाज से, बहुत तेजी आवाज से, हाई वॉल्यूम बहुत तेजी आवाज से क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। दिस डिस्ट्रैक्ट्स आवर स्टडीज वेरी मच, दिस मतलब यह, डिस्ट्रैक्ट्स मतलब होता है विचलित करना, डिस्ट्रैक्ट्स मतलब होता है विचलित करना, प्लीज डिस्ट्रैक्ट्स मतलब होता है विचलित करना, या इसी को लिखते हैं ध्यान भटकाना, ठीक है ना। आवर स्टडीज, ठीक है, आवर स्टडीज वेरी मच, और यह हमारे पढ़ाई को बहुत विचलित कर रहा है, वेरी मच बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहा है, विचलित कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट्स कर रहा है, ठीक ना, विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आई रिक्वेस्ट यू टू, आपसे विनम्र निवेदन है, काइंडली पुट ए बैन, कृपया पुट ए बैन, इसको रोक लगा दिया जाए, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, परीक्षा के समय लाउड स्पीकर के यूज पर क्या कर दिया जाए, रोक लगा दिया जाए, बैन मतलब रोक लगा देना। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि परीक्षा के समय या परीक्षा के दौरान इस लाउड स्पीकर के यूज को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है, थैंकिंग यू लिख करके, और यहाँ पे आप अपना लिखेंगे, यहाँ ना लिख करके आप यहाँ पे लिखेंगे योर्स फैथफुली, क्या लिखेंगे, योर्स फैथफुली, ठीक है ना, योर्स क्या लिखेंगे, योर्स फैथफुली, और क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और क्या लिखेंगे, जेड, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, योर्स फैथफुली, देखिए चलिए स्क्रीन शॉट वगैरह करेंगे, चलिए करिए स्क्रीन शॉट, अब कर सकते हैं स्क्रीन शॉट, कर सकते हैं आप स्क्रीन शॉट, अब कर सकते हैं, हो गया स्क्रीन शॉट, ठीक है प्लीज। तो ये था आज का एसे, अरे एप्लीकेशन, तो दोनों एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है, पांच पांच नंबर आपका बेस्ट है, अभी मैं 4, 6, 10 एप्लीकेशन दे दूंगा, उसी एप्लीकेशन को आप तैयार करके जाएंगे तो बार बार आपको करने में अच्छा लगेगा और आएगा भी। अब जरा हमें कमेंट करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है प्लीज वीडियो को दो दो बार सभी लोग चला करके देखेंगे, सभी लोग जितने भी लोग हैं आज अभी एक घंटे में इसको तैयार कर लेंगे और खुद से फिर सोच सोच के लिखेंगे, तभी आपको सोना है, ये हमारे तरफ से काम है। दो बार सुन लेंगे, कान में ढील लगाइए, आराम से कहीं किनारे बैठ करके सुनिए हम क्या कह रहे हैं, और मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज का अर्थ बताया है, पूरा समझाया है, क्या समझाया होगा, मेरा समझ में आया पूरा, आपको मजा आया, ठीक है, पहला एप्लीकेशन और मैंने दूसरा एप्लीकेशन, अगर जरा सा भी मजा आया हो तो प्लीज, अगर अभी भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ग्रुप्स वगैरह में अधिक से अधिक जगह शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ, इस होली आपका बहुत शुभ हो, रंग भर दे जिंदगी में इतना कि आप लोग बहुत अधिक नंबर लेकर आए, तकरीबन हर एक बच्चे की मुझे आशा है कि आप सभी लोग 80+ 80+ 80, 82, 85, 87, 88, 90, 90 तक रिजल्ट चाहिए, क्यों 90 तक रिजल्ट आएगा, 90+ रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बेस्ट दिया है, ठीक है। तो आप भुलाइए नहीं, बेस्ट करिए, टेक ध्यान रखिए, चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी थैंक यू, और सभी को जितने भी लोग हैं सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।